दुनिया मर जाए पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं। आपको कोई मच्छर भी ना काटे, जब से मैंने तस्वीर दिखाई है और जब से मैं लाइव आई हूँ, तो बहुत सारी एक मतलब एक होता है ना कि हम ये हम वो कर देंगे तो FIR करवा देंगे, मुझे उससे कोई डर नहीं है। तुम FIR कराओ, तुम अभी पुलिस मेरे घर भेजो। दोबारा सुन, फिर सुन लो, सुनो ए ये लो। जो उनका घर का नंबर नहीं है, ओनली वकील साहब का नंबर है। और ओनली ओनली अंग्रेज की औलाद जी, उनका नंबर नहीं है मेरे पास, वकील साहब के पास क्यों होगा? वो आए थे हमसे मिलने के लिए आए थे एक बार, उसके बाद नंबर, हाँ उनका नंबर नहीं है। वो भी जो हनुमान चालीसा को बांटा था मैंने, सब आए थे, वो सब मैंने बांटा था। नहीं नंबर नंबर नहीं, क्योंकि वकील साहब से मेरी जो बात से वकील साहब होती है और किसी से नहीं होती, या किसी को नहीं होते। जी 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 उनका नंबर पास सेंड कर दूं, मैं उनसे बात करूंगा थोड़ी सी, ठीक है? आपके जीवन की पहली हमें चिंता है, अरे दुनिया मर जाए मगर आप लोगों को नहीं। अब आप समझ जाओ, दुनिया मर जाए आप लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान सारी चीजें भेजती है, ये उनकी सिमती ले रही है। वो हैदर बोल रहा था कि सीमा को वहां परेशान किया जाता है, मेरे बच्चों को परेशान किया जाता है, कैसे बोल रहा था हैदर? तो ये आपके सामने अपनी बनी हुई है। और मैं बताऊंगी, और मैं इस पे नहीं बताऊंगी कि ये पाकिस्तान कहां से बात करती है, मुझे वो भी पता है, क्योंकि इसके जो मोबाइल है, जो इसका सारा डाटा है, जो ये करती है, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, सरकार के पास ATS जो भी है देख रही है, वो सारा देखती है इसका सारे दिन का, जो ये करती है कारनामे। और ये उस मोबाइलों से पाकिस्तान में कोई बात नहीं करती, मुझे सब पता है। बिरयानी भी आती है, बड़े की आती है, छोटे की आती है, सब पता है। सीमा हैदर एक एक चीज मुझे पता है रघुपुरा की, तू क्या क्या करती है। पर अगर मेरे किसी बच्चे पर तूने इल्जाम लगाया, जो तेरे पास आते हैं ना, जिनको तू वीडियो कॉल करती है, अपना नग्नता दिखाती है रात को 2:30 बजे, अगर मेरे किसी बच्चे पर आंच आई तो आस्थामा खड़ी मिलेगी भैया। मैं, मेरा बच्चा गलत भी होगा तब भी मैं आवाज उठाऊंगी, क्योंकि गलत ये महिला है। अगर महिला हमारे साथ कोई नहीं वीडियो कॉल करता भाई नंगा होके, आपके साथ नहीं करता, शरामी के साथ नहीं करता, अगर मैं करूंगी तो कोई करेगा ना, अगर मैं करूंगी नहीं तो किसी की मजाल क्या है? तो इसलिए इसके दिमाग में ये कहीं दिमाग में घूम रहा हो, मेरे अगर किसी बच्चे पर भी, चार पांच इसके हैं, अगर किसी मेरे भाई पर, मेरे बच्चे पर आंच आएगी तो आस्था मां खड़ी मिलेगी भैया। मैं सिर्फ अपने बच्चों के साथ हूं और मैं तुमसे हाथ जोड़ रही हूं कि जितनी जल्दी इससे पीछा छुड़ा लोगे तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। ये तुम्हारी जिंदगी नर्क बना देगी, तुम्हें ना घर का वो हिसाब होगा धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का। मेरे पास एक एक चीज है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। परसों रात को 3 बजे मुझे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहां से मुझे मैसेज नहीं आते, कहां से फोन नहीं आते, कहां से लोग मुझे प्रूफ नहीं भेजते भाई। मुझे धमकी कोई मत दे, गलत फहमी में मत रहना, मेरे पास भरमान भरा पड़ा है बुरे का पूरा, टेंशन मत लो, मेरे पास अंत गिनत सबूत है। आप मुझे पुलिस स्टेशन बुलाओ, मैं पुलिस के सामने, सरकार के सामने, मीडिया बुलाकर सब कुछ सामने रखूंगी। अगर मैं गलत हूंगी तो मुझे तुरंत अरेस्ट करके जेल में फेंका जाए, मैं उसके लिए तैयार हूं। और मैं आपको बता दूं, ये जो भोले वाले लोग है ना, ये जो भोले वाले लोग हैं, इनको बता दूं, ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग, आंख फूटना, ये आज मुझे किसी ने बताया है, मेरे मन की बात नहीं है, किसी ने बताया है कि माता जी पाकिस्तान ये बातें, और इस चैनल पे मतलब दो चार महिलाएं हैं वो चैनल पे बता चुकी हैं कि ये पाकिस्तान में भेजी गई है, कि देखो मेरे को यहाँ पर जबरदस्ती करते हैं, मुझे मारते हैं, बच्चों को कमरे में बंद करते हैं, चार पांच लोग सामने खड़े हो जाते हैं और मुझसे कहते हैं नाच वीडियो बना, है ना, तो मैं कुछ नहीं बोल पाती कि कल को मुझे अगर पाकिस्तान भेजे तो मुझे पाकिस्तान वालों की सिमती बरकरार मिलती रहे कि भैया इसको तो बेचारी चली गई थी बेचारी, तो इसको धक्के से वो किया गया, इसको मारा पीटा जाता था, प्रूफ इसने भेज दिया आंख फूटी का,
और इसको पाकिस्तान वालों को ये नहीं पता कि इसकी आंख क्यों फूटी, किस लिए फूटी। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ, इसने ये दोनों हाथों में लड्डू लेकर चल रही है, इधर पाकिस्तान को गालियां निकालती है हिंदुस्तान के सामने, उधर पाकिस्तान वालों को कहती है कि हिंदुस्तान वाले मेरे बच्चों को कमरे में बंद कर देते हैं, मेरे से जबरदस्ती होती है, और मैं अपने भाइयों को, अपने बेटों को जो इसके बहुत अच्छे दोस्त यार बने हुए हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर, क्या दोनों हाथ जोड़कर कहना चाहती हूँ कि बेटा जो अपने बच्चों की नहीं हुई, जो अपने घर परिवार की नहीं हुई, जो अपने माँ बाप की नहीं हुई, जो अपने देश की नहीं हुई, तो वो तुम्हारी कभी नहीं होगी। तुम उसका शरीर देखकर, या उसका, जैसे मेरे को किसी ने बताया कि ये, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए ये वाले शब्द, कि इसके अंदर बहुत हवस है, एकदम बहुत ज्यादा हवस है ना। तो इसकी हवस देखकर ना बेटा, अगर कल को पता क्या, मैं आपको बता दूं, मेरी ये लाइव सब जाने सेव कर लेना, ये लाइव डिलीट नहीं होनी चाहिए, कि ये कल को ये इल्जाम लगाएगी कि मेरे साथ फला फला बंदा आया था, वो कई बार आ चुका, उसने मेरे साथ बलात्कार किया, उसने मेरी बेटी के ऊपर भी हाथ फेरा, क्या लगेगी पोस्को, सजा होगी 20 साल, सारी सारी उम्र के लिए अपने बच्चों से भी वंचित हो जाएगा, अपनी बीवी से भी वंचित हो जाएगा, और बदनामी पूरे जहान में हो जाएगी। मैं कहती हूँ कि भाई तू कहीं कोठे पर चला जा, कोई 1,000 2,000 5,000 दे के रेड लाइट पे चला जा, पर इसके पास मत जा। ये महिला कुछ भी अपना महिला होने का फायदा उठा सकती है। ये जो तुम लोग इतना ही सोच लो कि जो अपन अरे अपने अपने पति की नहीं हुई, जो कह रही है अपने यार को बता रही है कि हैदर ने मुझे कभी दुख नहीं दिया था, हैदर बहुत प्यार करता था, हैदर ने कभी बुरका पहनने के लिए नहीं कहा था, हैदर ने कभी पैसे की कमी नहीं गई थी, मैं ही गलत थी, मैं हैदर से, हैदर मेरे से बहुत प्यार करता है, मैं हैदर से प्यार करती हूँ, बस मैं आ गई। और ये आप लोगों को फंसाएगी। और मैं ये भी बता दूं कि कल को अगर मेरे ये बच्चे फंसते हैं तो मैं इनके लिए खड़ी हूं, ये मेरे खिलाफ FIR करवाए, ये मेरे को गंदी गंदी गालियां दे, बेटा मैं माँ हूं, मेरे अंदर जो दिल है ना माँ का है, अगर तुम्हें कोई कुछ कह देगा ना तो तुम्हारी माँ खड़ी मिलेगी, कहीं भी कहीं भी। मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी कि ये भगोड़ी मेरे बच्चों को कुछ कह जाए, मैं ठोक दूंगी कि आपके घर में कुछ खाने पीने को है कि नहीं है। उनकी माँ के कभी उसकी माँ को गले से लगाया, कभी उनके बच्चों का इन इन आदमियों ने सिर रखा, जहां सीमा हैदर के लिए एक नगण वीडियो कॉल की वजह से लाखों रुपए उसको दे रहे हैं, कभी इन्होंने उस उन उन शहीदों के घर पर जाकर बोला कि बहन मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी बहन है, वो शहीद जो हमारे देश के लिए हुआ, हमारे बच्चों की रक्षा करने के लिए, मैं हमेशा करवा चौथ पे, हमेशा करवा चौथ पे ये कमेंट लिखती हूँ कि मैं उनका, मैं उस चांद को जो बचारियों का चांद आज सरहद पे है ना, उनको सबसे पहले मैं बधाई देती हूँ कि जिन जिनों को पता नहीं 5 5 4 4 साल हो गए, उनका चांद आए नहीं करवा चौथ पे, आपकी रक्षा कर रहे हैं, सबसे पहले उनको बधाई। कभी ऐसे लोगों के घर आप गए हो, कभी किसी शहीद के घर जाकर इन लोगों ने 5 रुपए उनके बच्चों की तली पे रखे, 2 चॉकलेट लेकर गए, नहीं, ये वहां जाते हैं जहां पर मुजरा होता है, जहां नचनिया होती हैं, जहां करेक्टर लेस होती हैं। ये उस आस्था माँ को सपोर्ट नहीं करेंगे जहां सनातन की बात होती है, वे वहां सपोर्ट करेंगे जहां पर मुजरा होता है। रात को 2:30 बजे हम कॉल करें, हम पी के करें, हम खा कर करें, तो हमारी कॉल तुरंत उठाई जाए और कॉल दूसरी हो, रंगीन दुनिया हो, बस होश नहीं हो हमें, हमारे साथ वो वीडियो कॉल करो। तो भैया मतलब शर्म आनी चाहिए कि कभी उन शहीदों के घर, मैंने कहा खूबसूरती देखनी है ना तो टीला मोड़ जाओ, सिग्नेचर ब्रिज जाओ, अरे इसका एक बार साबुन से मुंह तो धुलाओ, अच्छे तरह से साबुन से मुंह धुलवाकर इसको सामने बिठाओ, तुम्हें पता लग जाएगा इसकी औकात, ये कितनी खूबसूरत, जिसके लिए तुम मरे मरे जा रहे हो ना, जिसके लिए तुम एक भगोड़ी के लिए, सबको पता है कि ये एक वैश्या है, हमें चैलेंज किया जा रहा है, और हम बता दें हो सकता है हमें मरवा भी दिया जाए, हो सकता है हमारे ऊपर कोई हमला भी करवा दिया जाए, हम खुल के बोल रहे हैं, आप लोग इस बात को नोट कर लेना भैया, और खूबसूरत चेहरा हम आपको दिखाते हैं, चेहरे तो हमारे पास बहुत खूबसूरत है, पर अभी हम उसका खुलासा नहीं करेंगे, हम वो चेहरे दे चुके हैं जिसको दे रहे हैं। दुनिया मर जाए पर आपको कुछ नहीं होना चाहिए, इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं
चाहते हैं, आपको कुछ अच्छा भी चाहते हैं, आपकी तो बहुत बड़ी बात है बातें की। आपको कोई मच्छर भी ना काटे, जब से मैंने तस्वीर दिखाई है और जब से मैं लाइव आई हूँ, तो बहुत सारी एक मतलब एक होता है ना कि हम ये हम वो कर देंगे, तो FIR करवा देंगे, मुझे उससे कोई डर नहीं है, तुम FIR कराओ, तुम अभी पुलिस मेरे घर भेजो। दोबारा सुन, फिर सुन लो, सुनो ये लो, ओनली ओनली अंग्रेज की औलाद जी, उनका नंबर नहीं है मेरे पास, वकील साहब के पास क्यों होगा, वो आए थे हमसे मिलने के लिए आए थे एक बार, उसके बाद नंबर, हाँ उनका नंबर नहीं है, वो भी जो हनुमान चालीसा को बांटा था मैंने, सब आए थे, मैंने बांटा था, नहीं नंबर नंबर नहीं, क्योंकि वकील साहब से मेरी जो बात से वकील साहब होती है और किसी से नहीं होती, अब आप समझ जाओ, दुनिया मर जाए, आप लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए।